हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। आज हम बिल्कुल बढ़िया सा बनाएंगे सबवे स्टाइल सैंडविच हमारे घर पे। सैंडविच का जो ब्रेड है ये भी मैं आपको बिल्कुल घर पे ही बनाना सिखाऊंगा। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेसिपी अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं इस बढ़िया से सबवे स्टाइल सैंडविच की रेसिपी। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़े से कटोरे में ऐड किए आधा कप गुनगुना गरम दूध। दूध का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना हमारा ब्रेड नहीं फूलेगा। इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच ईस्ट, ये बिल्कुल ड्राई ईस्ट है। ईस्ट के ऊपर हम ऐड करेंगे एक चम्मच शक्कर। इसे बिल्कुल अच्छे से एक फोक की मदद से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक इसी तरह से रेस्ट करने बिल्कुल रख देंगे। 5 मिनट बाद मैं इसमें ऐड करूंगा 1.5 कप मैदा। गाइस, आप अगर यहाँ पे चाहें तो एक अंडे का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं डो को और भी सॉफ्ट बनाने के लिए। मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे अंडा पसंद नहीं। इसमें ऐड करेंगे अब रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल 2 चम्मच। रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा नमक, 1 से 2 पिंच, बिल्कुल स्वाद के लिए। नमक ऐड करने के बाद इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें डो लगा लेना है। एक मैं आपको यहाँ पे टिप दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, वो ये है कि मैदे को बिल्कुल अच्छे से हमें गूंदना है, क्योंकि मैदा हमारा जितना सॉफ्ट बनेगा ब्रेड हमारा उतना ही फूलेगा और उतना ही बढ़िया बनेगा। इसे कम से कम 5 से 8 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से गूंदना है और एक बढ़िया सा डो बनाएंगे। यहाँ पे हमारा डो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। डो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से गूंदा है। इसे हम ट्रांसफर करेंगे इस तरह के छोटे से क्यूट से प्लास्टिक कंटेनर में। आप देख सकते हैं ये एक्चुअली एयर टाइट कंटेनर है क्योंकि इसका ढक्कन भी है। बिल्कुल अच्छे से ब्रश कर देंगे ऑयल, और इस कटोरे को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था पहले से ही। एक बार तेल लगाने के बाद इस कंटेनर का जो ढक्कन है वो हम लगा देंगे और इसे इसी तरह से रेस्ट करने रखेंगे बिल्कुल 2 घंटे तक। एक बार हमारा ब्रेड अच्छे से रेस्ट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से फूल जाएगा। आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल डबल हो चुका है, काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है ये। इसे फटाफट से हम निकालते हैं और हमारा जो डो है वो अभी सुपर सॉफ्ट हो चुका है। इसे फटाफट से एक प्लेटफॉर्म पे हम निकाल लेंगे। डो हमारा निकालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से गूंद लेना है। गाइस, ब्रेड को हमारा सॉफ्ट बनाने के लिए आप चाहे तो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दही का भी। अगर अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 अंडा, अगर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 कप दही, वो बिल्कुल काफ़ी होगा इसके लिए। एक बार डो को अच्छे से गूंद लेने के बाद इसे हमें सिलिंड्रिकल शेप में बनाना है, कुछ इस तरह से, यानी कि बेलन आकार का बनाना है। उसके बाद एक नाइफ की मदद से मैं इसे 3 हिस्सों में बिल्कुल बढ़िया से डिवाइड कर लूंगा। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेने के बाद हमें एक पार्ट को इस तरह से लेना है और बिल्कुल अच्छे से इसे इस तरह से रोल करके एक 6 से 7 इंच का हमें इस तरह से लोफ बना लेना है। गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोफ बनाते समय मैदे में बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहना चाहिए वरना प्रॉब्लम होगा बेक होने में। मैंने यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल किया, बिल्कुल देख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी 2 लोफ भी बिल्कुल बढ़िया से बना लेंगे। इसे मैंने एक बेकिंग ट्रे में रख दिया है, इसमें ब्रश करेंगे बटर। बेकिंग ट्रे को भी मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। बटर से ब्रश करने के बाद इसे हम इसी तरह से रेस्ट करने रख देंगे बिल्कुल 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स यहाँ पे हो चुका है। एक और बार मैं यहाँ पे बटर लगाऊंगा और इसे तैयार करूंगा बिल्कुल बेक करने के लिए। ओवन मेरा ऑलरेडी बिल्कुल प्री हीट हो रहा है, इसे मैंने 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया था हमारे ओवन को। इसके अंदर मैं डालूंगा हमारा ब्रेड और इसे हम कुक करेंगे 180 डिग्री में बिल्कुल 25 से 30 मिनट के लिए। मीटर को यहाँ पे बढ़िया से मैं घुमा दूंगा 25 मिनट तक और इसे हम बेक करेंगे। आप अगर चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि आपको एक एक लोफ करके बेक करना पड़ेगा। 25 मिनट बाद हमारे यहाँ पे ब्रेड लोफ बिल्कुल बेक होकर तैयार हो चुका है। मैं इसे फटाफट से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड लोफ हमारा बिल्कुल तैयार है, कलर एकदम बढ़िया सा ब्रेड का है। इसे क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्लॉथ से हम इसे कवर करेंगे और इसी तरह से रेस्ट करने रख देंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि हमारा ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट रहे, हार्ड ना हो। तब तक मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका स्टफिंग के लिए मैंने क्या लिया है।
स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के पीसेस जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में काटा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। स्टफिंग आप अपने मर्जी का कुछ भी स्टफिंग कर सकते हैं एक बार ब्रेड को बिल्कुल अच्छे से बना लेने के बाद। इसमें मैं ऐड करूंगा आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, ऐड करूंगा एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ऐड करूंगा एक चम्मच सोया सॉस और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। नमक ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से एक चम्मच की मदद से इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे डायरेक्टली हम फ्राई करेंगे। गाइस फ्राई करने का प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपली पैन फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक, जब तक हमारा चिकन बिल्कुल बढ़िया से पक जाएगा। 5 से 6 मिनट बाद हमारे ये चिकन को मैंने बिल्कुल बढ़िया से फ्राई कर लिया है। मैंने और यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो को मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 2 चम्मच बिल्कुल बढ़िया सा हनी। हनी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया ताकि चिकन में एक बढ़िया सा ग्लेज आए। हनी ऐड कर देने के बाद यानी कि शहद बिल्कुल अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे इसे। चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप की ओर यानी कि असेंबलिंग। ब्रेड लोफ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनाई है, ऊपर में एक हल्का सा क्रस्टी लेयर है और इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड, दिखाता हूँ अभी आपको। ब्रेड को बिल्कुल काट लेंगे इस तरह से बीच से, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा नाइफ का इस्तेमाल किया है। ब्रेड को एक बार काट लेने के बाद मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ इसका अंदर कैसा है। अंदर का आप टेक्सचर देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल बढ़िया सा जैसा ब्रेड में रहता है या फिर जैसा लोफ में रहता है वैसा ही है। बढ़िया है ना, ये बिल्कुल कमाल का रेसिपी। उसके बाद हम चल जाएंगे, यहाँ पे मैंने ब्रेड को रख दिया है, इसमें ऐड करूंगा मेयोनीज। मेयोनीज लगा लेने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे हम इस तरह से फैला लेंगे ब्रेड के ऊपर। आप चाहे तो एक चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्रोसेस करने के लिए। ऐड करेंगे लेटस, लेटस लीव अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि बंद गोभी का। ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टमाटर के स्लाइस बिल्कुल 4, इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज के स्लाइस। आप अगर चाहें तो इसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत सारा वैरायटीज होता है। ऊपर से हम ऐड करेंगे हमारा चिकन जिसे मैंने बिल्कुल बढ़िया से फ्राई कर लिया है। ये एक बिल्कुल बेसिक सा चिकन सैंडविच है। मेरा मेन मोटो ये था कि आपको दिखाने का कि आप ये ब्रेड किस तरह से बना सकते हैं, बाकी फिलिंग को आप बिल्कुल मॉडिफाई करिए अपने मर्जी से। ऐड करूंगा रेड मेयोनीज, ये मेयोनीज बर्गर में भी इस्तेमाल होता है बाय द वे। उसके बाद हम एक और ब्रेड लोफ के पीस से कवर करेंगे और डायरेक्टली इसे सर्व करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट है आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने फेसबुक या फिर इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैं मिलता हूँ आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन आई एम होस्टिंग यू इन द शो, गुड बाय फूडीज़।